हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेयर्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम व्यापम एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो व्यापम के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड किए थे एमपीएसआई से रिलेटेड, और इसमें 10 क्वेश्चन को मैंने कवर किया। इसके पहले जो 2 पार्ट थे उसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन को कवर किया था, तो अगर वो पार्ट आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दी है, तो आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसका 3rd पार्ट। हमारा जो 1st क्वेश्चन है वो है, दे ब्लैंक हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट। और इसके जो ऑप्शन है, वुड, शुड, विल एंड कुड। ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल से लिया हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ पर जो आप गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। आप थोड़ी देर वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन का आंसर सुन सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है शुड, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बोल रहा है कि दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट। उनको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले मुझे एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो चाहिए का आ रहा है, जिसके लिए हम शुड यूज करते हैं। चाहिए के लिए 2 मॉडल वर्ब यूज होती है, जो होती है मस्ट एंड ओट टू। तो यहाँ पर ऑप्शन शुड है हमारे पास, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शुड। चलिए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक स्विम क्वाइट वेल Quite well when I was younger. यहाँ पे जो ऑप्शन है must, should, can and could. ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से लिया हुआ है, और यहाँ पे आप गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में जो सेकंड सेंटेंस है वहां पे लिखा है when I was younger, that means कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट की बात कर रहा है, और फर्स्ट सेंटेंस उसमें लिखा है आई स्विम क्वाइट वेल। स्विम की बात हो रही है, स्विम मतलब तैरना। तो यहाँ पे स्विम इज एबिलिटी, स्विम एक एबिलिटी होती है, और यहाँ पर एबिलिटी के केस में हमको यूज करना होता है कैन, लेकिन ये सेंटेंस इसमें जो पीछे वाला सेंटेंस है वो पास्ट में है, और पास्ट की वजह से हमको यहाँ पे कैन के प्लेस पे यूज करना होगा कुड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कुड। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी जो एमपीएसआई के जो एग्जाम हुए थे उसमें हर पेपर में फर्स्ट के 3 क्वेश्चन वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड थे, और ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चन की वजह से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यू ब्लैंक लुक आफ्टर यूर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ओट टू, माइट, कैन, मे। चलिए आप इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आप गेस कीजिए क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यू ब्लैंक लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। ऑप्शन है ओट टू, माइट, कैन, मे। तो ये जो सेंटेंस है ये एक मोरल कंडीशन बता रहा है कि लुक आफ्टर से मीनिंग होता है टेक केयर। आप वो बोल रहा है कि आपको देखभाल करनी चाहिए योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स, जो ओल्ड पेरेंट्स एंड सिक जो पेरेंट्स हैं, जो बीमार पेरेंट्स हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए का सेंस निकल रहा है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉडल वर्ब होती है शुड, मस्ट एंड ओट टू। तो ओट टू का यूज होता है ये मोरल कंडीशन में होता है, तो जैसे कि वी ओट टू सर्व अवर मदरलैंड, तो इस तरह के सेंटेंस में हम यूज करते हैं ओट टू का। और शुड का यूज होता है नॉर्मल एडवाइस के लिए, जैसे कि यू शुड कट योर नेल, यू शुड कट योर हेयर, तो इस तरह के सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ओट टू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला जो सेंटेंस है, हिज फ्रेंड लिव्ड मीरपुर ब्लैंक महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीपोजिशन से लिया हुआ है, और जो स्मॉल प्लेस होते हैं उनके पहले हमको यूज करना होता है एट, और जो बिग प्लेस होते हैं स्टेट होती है या कंट्री होती है, तो उनके पहले हमको यूज करना होता है इन। तो इस क्वेश्चन में ये जो मीरपुर है ये स्मॉल प्लेस है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एट,
और जो महाराष्ट्र है उसके पहले हमको यूज करना होगा इन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा एट एंड सेकंड में आ जाएगा इन। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी मैंने एमपीएसआई के पेपर से उठाया हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं इसमें क्या एरर हो सकता है। अ नंबर ऑफ टीम्स इज टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है, आप गेस कीजिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है अ नंबर ऑफ से और एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है द नंबर ऑफ से। तो यहाँ पे मैंने आप नीचे एक्सप्रेशन में दिया है कि अगर आपका क्वेश्चन द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है उस केस में आपका जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी, और अगर आपका क्वेश्चन अ नंबर से स्टार्ट होता है तो नाउन प्लूरल रहेगा लेकिन उसकी वर्ब भी प्लूरल रहेगी। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अ नंबर ऑफ से, और अ नंबर ऑफ के केस में जो नाउन है वो है टीम, तो वो ऑलरेडी प्लूरल है। और यहाँ पर फिर नीचे लिखा है कि इज टेकिंग पार्ट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, तो हमको इस के प्लेस पे यूज करना होगा आर टेकिंग ऑफ, सॉरी आर टेकिंग पार्ट। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बी की पार्ट में है और हमको रिप्लेस करना होगा इसको यहाँ पे आर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आर विजिटिंग अवर टाउन टूडे। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये लिया हुआ है सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इस क्वेश्चन में एरर क्या है, यहाँ पर एंड से दो नाउन को कनेक्ट कर रखा है, फर्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों एक ही पर्सन है क्योंकि एंड से दो नाउन को जोड़ रखा है, लेकिन आर्टिकल एक ही यूज किया हुआ है और वो प्राइम मिनिस्टर के आगे किया हुआ है। तो अगर एंड से जुड़े हुए दो नाउन के पहले एक ही आर्टिकल होता है तो उस केस में वो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर इस ये जो क्वेश्चन है इसके बी पार्ट में हो जाएगा कि आर विजिटिंग अवर के प्लेस पे हमको यूज करना होगा इज विजिटिंग अवर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो नाउन को एंड से जोड़ रखा है और फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए आर्टिकल ओनली वन यूज किया हुआ है जो है द। अगर यहाँ पर इस चीफ मिनिस्टर के पहले भी हम आर्टिकल यूज कर देते तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर अलग पर्सन हो जाता है और चीफ मिनिस्टर अलग हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन के लिए एक ही आर्टिकल यूज होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल एक यूज कर रखा है और इस वजह से हमको यहाँ पर आर को रिप्लेस करना होगा इससे। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन में नीचे दिया भी है कि द पोइट एंड क्रिटिक। अब यहाँ पे एक ही व्यक्ति पोइट है और वही क्रिटिक है, तो ऑप्शन आ गया इस। और अगर यहाँ पे होता द पोइट एंड द क्रिटिक तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते और उस वजह से यहाँ पे जो आंसर आ जाता वो आता आर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एरर से रिलेटेड है। ही डजंट स्पेंड मच टाइम विथ हिज फैमिली बिकॉज हिज करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ। आप गेस कीजिए इसमें आंसर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा एरर इस क्वेश्चन में है और वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर कभी भी डज नॉट डू नॉट या डिड नॉट ये सेंटेंस में आता है तो इसके बाद में जो वर्ब होती है वो ओनली फर्स्ट फॉर्म में होती है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें डज नॉट के बाद में इसने यूज किया हुआ स्पेंड्स, तो जब हम डज नॉट यूज करते हैं तो उस केस में हमको फिर जो वर्ब होती है उसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे स्पेंड्स के प्लेस पे आ जाएगा स्पेंड्स। और ये सिंपल सा इसमें एरर है, तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में एरर हो जाएगा कि स्पेंड्स के प्लेस पे हमको यूज करना होगा स्पेंड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी एरर से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है इफ आई हैड नोटिस्ड हर आई वुड हैड ग्रीटेड हर। मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में कुछ एरर करवाए थे, एक एमपीएसआई एरर से रिलेटेड एक वीडियो है मेरा, और उस वीडियो में मैंने सारे एरर को कवर किया था और उसमें इस क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि इसका वास्तविक आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब इफ के बाद में हैड थर्ड फॉर्म होता है तो उस केस में हमको सेकंड सेंटेंस में यूज करना होता है वुड हैव थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है और इम्पॉसिबल कंडीशन में हैड थर्ड फॉर्म वुड हैव थर्ड फॉर्म। और ये जो क्वेश्चन है इसमें इफ हैड थर्ड फॉर्म तो ठीक है, लेकिन बाद में दूसरे वाले सेंटेंस में वुड के बाद में हैड दिया हुआ है, तो वुड इज ऑल्सो मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद में
हमको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना होता है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे हेड को रिप्लेस किया जाएगा हैव से। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, कॉम्पिटिटर्स मस्ट अबाइड ब्लैंक द जज डिसीजन। बहुत सिंपल सा एरर है और प्रीपोजिशन से लिया हुआ है, और यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर अबाइड आता है तो अबाइड के बाद में हमको प्रीपोजिशन यूज करनी होती है बाय। ये डायरेक्ट प्रीपोजिशन होती है, जैसे रिले, रिले के साथ में प्रीपोजिशन होती है ऑन, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, तो इस तरीके से अबाइड के साथ हमको प्रीपोजिशन यूज करनी होगी बाय। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ माई अंकल विल कम टू दिल्ली ही विल मीट यू। बहुत सिंपल सा एरर है। यहाँ पर रियल कंडीशन, टेंस की रियल कंडीशन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किए थे। तो यहाँ पर देखिए, इफ के बाद में इसने जो टेंस यूज किया है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस, और इफ के बाद में कभी भी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज नहीं होता है। इफ के बाद में हमको यूज करना होता है प्रेजेंट सिंपल, और जो अगला सेंटेंस होता है वो होता है फ्यूचर सिंपल में। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है, या मैंने नीचे एक्सप्रेशन में दिया भी है कि डू नॉट यूज विल आफ्टर विल और शैल आफ्टर दिस कंडीशनल वर्ड। तो कुछ कंडीशनल वर्ड्स हैं, इनके थ्रू आप इजीली इस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफ, अनलेस, अंटिल, व्हेन और एज सून एज, इनके बाद अगर कभी भी विल या शैल आता है तो आप वहां पे उस पार्ट में एरर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एरर हो जाएगा बी पार्ट में, कि विल कम के प्लेस पे आएगा कम्स, इफ माय अंकल कम्स टू दिल्ली ही विल मीट यू। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा जो अगला सेंटेंस है, एज सून एज वी विल गेट द टिकट्स वी विल सेंड them to you। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जो हमने इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन 9th नंबर पे डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में हमको विल का यूज नहीं करना होता है, और ये क्वेश्चन भी उनमें से एक है। यहाँ पे एज सून एज के बाद इसने यूज किया है विल का, और एज सून एज के बाद में यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा। चलिए तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इजीली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।